इतना ज्ञान सुनाया है, वो ज्ञान की सुनाई हुई बातें याद नहीं रहती। दुनिया की परंपरा याद रहती है। बाबा तो बताते हैं कि शास्त्र में सारा ही भूसा भरा पड़ा। भक्ति मार्ग में क्या है? भूसा। और उसमें से दाना निकाल निकाल करके मैं तुम बच्चों को सुना रहा हूँ। शास्त्रों में सच्चाई नहीं है, भक्ति मार्ग में सच्चाई नहीं है। सच्चा कौन सुनाता है? बाप आकर के सच्चाई सुनाते हैं। सत्य को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी झूठ की या सच्चाई की? सच्चाई की। तो दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो तो सब झूठ ही झूठ। बाप कहते हैं मैं ही झूठ, सत्य की रत्ती नहीं। गणेश के चित्र बनाए गए, कोई ऐसा धातु जैसा आदमी हुआ नहीं है। हाँ, तो कोई ऐसा हाथी नहीं हुआ है। युद्ध अभिमानी ज्ञान में चलने वाले कोई ऐसे सांधे हुए हैं जिनका चित्र दिखाया जाता है जानवरों का। ये अभिमान उनका दिखाया गया चित्र। हमको देखना है किसको? एक को देखना है। अनेक प्रकार के चित्रों को बुद्धि में धारण ही नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा? उनसे कंग का रंग हमको लगता रहेगा। ब्रह्मा का भी चित्र रखने के लिए मना कर दिया। ब्रह्मा का भी चित्र नहीं रखना है तो औरों का चित्र हम क्यों बुद्धि मिला देगा? क्या घर के कलेश रहता है? ये सुखधाम है या सुखधाम है? तो सुखधाम में तो दुख और शांति होगी। जो बाप जो नई दुनिया बनाए रहे हैं, जो नई दुनिया का संगठन तैयार कर रहे हैं, जो नई दुनिया का संगठन रूपी किला तैयार हो रहा है बाप के द्वारा, हाँ, उसमें शांति है। जहाँ बाप आ गया नहीं, बाप तो सुखधाम में आया है, सुखधाम में आया है। बाप तो अशांति की दुनिया में आया है। हाँ, अशांति की दुनिया में आया है, सुखधाम में आया है। तो सुखधाम की बात जो है वो हमारी बुद्धि में से निकल जाए, इतना बुद्धि हमारी सात्विक बन जाए कि ज्ञान के अलावा और कुछ बुद्धि में ना आए। ज्ञान इतना पराकाष्ठा को बैठा हुआ हो कि हमें दुख मिल रहा है फिर भी हम समझ आ रहे हैं हमारे पूजन का तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है। ये व्यक्ति हमको पिटाई कर रहा है, हमने इसकी पिटाई की होगी पूजनम में, इसलिए ये हमको हिसाब किताब पूरा कर रहा है, मार रहा है। हमको तो बाप मिला हुआ है, जब इसकी हमने पिटाई की थी तो कितनी दुर्गति हुई होगी। इसको तो उस समय बाप भी नहीं मिला था, हमें तो फिर भी आसरा मिला हुआ है। बुद्धि को इतना तीखा बनाओ कि ज्ञान का सागर बुद्धि में बैठा रहे। जो भी हमारे सामने आ रहा है, हमारा किया हुआ आ रहा है या किसी दूसरे ने किया है, हम जो कुछ भोग रहे हैं वो भोगना हम अपने की हुई भोगना भोग रहे हैं या कोई दूसरे ने हमारे ऊपर भोगना भोग दी है?
जो कुछ हमने किया है वही हमारे सामने रिटर्न होगा, इसलिए कोई परवाह नहीं, आओ खुश हो जाओ। क्या हम हल्के हो रहे हैं, हमारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। बाबा ये श्री का जो चित्र है ये तो भारत की प्रवासी में भी कहानी दिखाता है। तो बाबा कोई तो 60 रुपये सरपंच का, कोई तो आदि में आया, कोई मध में, कोई बाबा ये इस प्रकार के पता चलेगा कि प्रवासी जन का मतलब शक्ति स्थिरता वापस करी इस तरह श्री बाई श्री जो चौरासी जन्म को पाठ प्रवासी देवताएं होते हैं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। तो जो देवताएं हैं उन्हीं की 84 जन्मों की कहानी है, जिन्होंने कम जन्म लिए हैं वो तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो तो पक्के भारतवासी है ही नहीं, देवता बनते ही नहीं। शूटिंग तो सचिव से शूटिंग होती है, लेकिन सचिव में जनसंख्या कितनी होती है, नहीं होती है 9 लाख जनसंख्या होती है। तो जो 9 लाख है वही तो सीढ़ी की कहानी है, उससे ऊपर तो सीढ़ी की कहानी नहीं है। बाकी अगर झाड़ में जाना हो तो झाड़ में अनेक धर्मों की बातें हैं। जैसे कोई तो नगन आया तो कोई 18 में, कोई 2000 में, इस तरह से आरक्षण कोई आज आ रहा है, आज ही आ रहा है, तो उसके बारे में हम क्या ये जानते हैं? ये पूर्व जन्म में नहीं आया होगा, पक्का कर दिया? पूर्व जन्म में भी तो आया होगा, बात खत्म हो जाती है। हम किसी भी आत्मा को ये नहीं देखे कि ये नई है। हाँ प्रूफ मिलता है कि हाँ भाई 80 साल की उम्र है तो भी बुद्धि में उसके लिए शुभ भावना करें कि 80 साल की उम्र होते हुए भी ये एडवांस ज्ञान ले रहा है तो जरूर ये राम वाली आत्मा के कनेक्शन में रहा होगा पूर्व जन्म, इसलिए ये एडवांस ज्ञान ले रहा है। जन्म जन्मांतर का साथी है। बाबा ये डॉक्टर है वो जो ज्ञान में आ गया आत्मा अब क्या लगाते हैं या पूर्व जन्म के साथ लगाते हैं? पूर्व जन्म में भी आई और अभी भी आई। पूर्व जन्म जो होता है उसके आधार पर ही इस जन्म में ज्ञान मिलता है। बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना। 63 जन्मों में जिन्होंने अच्छे कर्म किए वो ही इस ज्ञान को उठाते हैं, और जिन्होंने जितने जास्ती अच्छे कर्म किए हैं उतना अच्छा ज्ञान उठाएंगे, जिन्होंने जितने जास्ती भ्रष्ट कर्म किए हैं दुखदायी बने हैं वो उतना ही इस ज्ञान को कम उठाएंगे और उठाएंगे भी तो फिर दूसरे धर्म में विलंब जाते कन्वर्ट हो जाते, कम कलाओं में चले जाते, कम जन्म लेने वाले बन जाते हैं। बाबा ने बोला कि जैसे एक चल जाए घर में तो सारे चल जाएंगे। हाँ एक अगर ज्ञान में एडवांस में आ गया तो उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, आगे चल जाएंगे। नहीं चलिए है तुम ऐसे समझो कि ये हमारी गीता पाठशाला का बच्चा है, कोई बच्चा होशियार होता है कोई बच्चा डल होता है। ब्रह्मा बाबा हॉस्टल बना करके बैठे माउंट आबू में, तो वहाँ बहुत से ऐसे थे जो न सुबह को क्लास करते थे न शाम को क्लास करते थे, बस सोना खाना और मस्त रहना यही उनका जिंदगी। तो उनको क्या निकाल के बाहर फेंक दिया? नहीं, ये भी हमारी गीता पाठशाला जो बच्चे आम करके सुधर जाए, अभी नहीं चलते हैं आगे जल्दी चल पड़ेंगे, का हिसाब है ना कि अभी तो तिरस्कार करते हैं क्योंकि दुनिया तिरस्कार कर रही है
तो दुनिया को देख करके वो भी तिरस्कार करते हैं। लेकिन आगे चल करके जब नाम निकलेगा सच्चाई जो है वे एकदम प्रत्यक्ष नहीं होती है। सच्चाई को प्रत्यक्ष होने में भी टाइम नुडा हुआ है, पूरी है, पूरी तेल में डाली जाती है तलने के लिए तो नीचे बैठ जाती है, फिर अपना टाइम आता है तब तब ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही ये ज्ञान जब पकेगा तो प्रत्यक्ष होगा। बच्चा है 9 महीने पेट में रहता है, कोई कहीं पहले क्यों नहीं आ जाता? अरे जब तक गर्भ पकेगा नहीं तब तक बाहर कैसे आएगा? तो ऐसे ही ये भी ज्ञान गर्भ है, इसमें भगवान बाप अभी पैदा नहीं हुआ है। पैदा माना जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबकी नजरों के सामने आ जाता है, पहले घर वाले पहचानते हैं, फिर मोहल्ले वाले पहचानते हैं, फिर दुनिया पहचानती है। तो ऐसे ही ये भगवान दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाला है, हम बच्चों के बीच में भी प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन माया हमारी आंखें क्यों मूंद देती है? अभी अभी हमारी आंखों के सामने ऐसे लगता है हमें भगवान मिल गया, और थोड़े समय बाद ऐसे लगता है भगवान मिल गया था भगवान कहाँ से मिल गया है? तो रावण की दुनिया है, रावण मिल गया, भगवान कहाँ मिल गया? अनित्य आ जाता है, घड़ी घड़ी नित्य है, घड़ी घड़ी अनित्य है, गलत है, साबित होता है गलत है। साक्षात भगवान सामने बैठे, अब जब परीक्षा आएगी तब जब रेडियो में निकलेगी ग्लानी, जब टीवी में ग्लानी निकलेगी, जब अखबारों में ग्लानी निकलेगी, चारों तरफ से ग्लानी के पहाड़ ऊपर गिरेंगे आकर के कीचड़ के, तब पता चलेगा तुम्हारा कि भगवान आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। अभी तो सब कोई कह देगा, परीक्षा के बाद पता चले कि हमको कितना निश्चय है और कहाँ तक निश्चय है। नहीं तो बाबा को ये बोलने की क्या दरकार पड़ती? गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। वो हद का ज्ञान सरोवर इंटो वाला ही नहीं, जो अभी एडवांस में बड़े ज्ञानी बन रहे हैं उनको ज्ञान की बातें छोड़ देनी पड़ेंगी। चाहिए सब तुम तो कहीं थक गए, ऐसा सब झूठा निकला। क्यों का क्या सवाल, ग्रामर में क्यों बुरा ही होता है? माला में नंबर ऐसे ही ले लेंगे, अगर ये परीक्षा ना आए तो आपका माला में तो आपका आपका पहला नंबर आ जाए बना रहे ऐसी परीक्षा ना नंबर कैसे बनेंगे? अगर परीक्षा ना आए तो परीक्षा का रिजल्ट कैसे निकलेगा? रिजल्ट निकलना है कि नहीं निकलना है? कौन 8 के दाने बनेंगे, कौन 108 के दाने बनेंगे? 108 की माला में आने वाले हैं, कौन ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की माला में आने वाले हैं, कौन 16000 की लिस्ट में आने वाले हैं? 16000 में कौन सा नंबर है? रुद्र एक रखते हैं तो 1,00,000-2,00,000 सालिग्राम बनाते हैं, उन 1,00,000-2,00,000 सालिग्रामों की लिस्ट में कौन आने वाले हैं? फिर 9,00,000 में कौन आने वाले हैं? फिर सतयुग में आने वाले 2 करोड़ हैं, उस लिस्ट में आने वाले कौन हैं? त्रेता में 10 करोड़ हैं, त्रेता के अंत में उस लिस्ट में भी कोई आने वाले होंगे कि नहीं? कलयुग के अंत में 500 करोड़ हैं। सब आत्माओं को अपने पार्ट का पता चलेगा कि नहीं चलेगा? है? नहीं चलेगा, चलेगा तो कैसे चलेगा? परीक्षा हुए थे क्या? बाकी पढ़ाई कमजोर होती है वो परीक्षा से डरते हैं, जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ी
तो कहेंगे कल होती हो तो आज हो जाए। आपने बिघन डाला होगा आज के काम में पूर्व जन्म में, उस बिघन आपने भी कोई को रोका होगा, आपको रोक रहे। हर बात में ज्ञान युक्त होकर के पूछना के लिए, कुछ भी हो जाता है तो ज्ञान के पॉइंट को बुद्धि मिलाओ, ऐसा क्यों हुआ, जवाब मिल जाए। बाबा अभी वो परीक्षा आ रही है, अभी हो रहेंगे स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं तो मास मास में परीक्षाएं होती हैं, हर 3 महीने में परीक्षाएं होती हैं, 6 महीने के बाद परीक्षा होती है, फिर फाइनल भी होता है, फिर छोटे क्लास की भी परीक्षाएं होती है और बड़े क्लास की भी परीक्षा होती है, फिर जब पद मिलता है तो ट्रेनिंग कराई जाती है, ट्रेनिंग की भी परीक्षा होती है, ट्रेनिंग की परीक्षा में पास हो गए तो समझते हैं कि अब हम बन ही जाएंगे। घड़ी घड़ी परीक्षाएं हैं, ये बात थोड़ी कह सकते हैं कि अभी परीक्षाएं क्यों हो रही, फाइनल परीक्षा एक ही है, क्या हुआ लगता, वो अभी से देखें कि पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय तक हमें कितना नष्ट हुआ स्मृति लगता होकर के रह रहे, जो जितने लंबे समय तक नष्ट हुआ होकर के रहेगा उसका उतना ही नंबर पहले आ जाएगा, वो फाइनल परीक्षा ही है। बाबा लक्ष्मी आने में कितना टाइम लगेगा, आपका आह्वान करने में कमी रह जाए। अपने आप तो कुछ होना नहीं, करने से ही होगा या अपने आप हो जाएगा, बाबा ने तो बोल दिया विजयमाला का आह्वान करो। बाबा हम करना कुछ हो जाते हैं और वो कुछ हो जाता है, अज्ञान है, और क्यों करना चाहते हैं, जो भगवान कराना चाहता है तो ही करो ना, ये भी देखा कि भगवान क्या कराना चाहता है आपसे, क्यों सोचते हैं आप दूसरा। भगवान तो कहते हैं मन मना भव, जो मेरे मन में है सो तेरे मन में चले, तो आप दूसरा क्यों सोचते हैं, उसमें अच्छाई होगी है। दक्षिण भारत है, भारत का विदेश ऐसे बोला है अद्वैतवाणी, इसलिए है कि दक्षिण भारत के तीनों तरफ समंदर है, जब दूसरे दूसरे सभी धर्म खंड डूबेंगे तो दक्षिण भारत भी डूबेगा कि नहीं डूबेगा, डूबेगा। दक्षिण भारत जब डूब जाता है तो उत्तर भारत का ऊंचा हिस्सा बच जाता है, उसे कहते हैं जम्बूद्वीप।
ऊपर का हिस्सा बचता है वहाँ देवताओं की शक्ति चलती है। 2500 साल, जब 2500 साल की देवताओं की शक्ति पूरी होती है तब दूसरे दूसरे धर्मखंड भी ऊपर आते हैं और साथ साथ ये दक्षिण भारत भी ऊपर आ जाते हैं। इसलिए बोला कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, वहां की भाषा भी जैसे विदेशियों की भाषा दूसरी वैसे उनकी भाषा भी अलग अलग भाषाएं अलग दूसरी भाषा है। जैसे विदेशियों के भाव स्वभाव संस्कार अलग है वैसे दक्षिण भारत वालों के भी भाव स्वभाव संस्कार अलग अलग है। नीति रीति भीत सब अलग अलग। और भगवान जब आते हैं तो भगवान को पहले तीक्ष्ण बुद्धि वाले ज्यादा पहचानते हैं पहले पहचानते हैं या भारतवासी पहले पहचानते हैं? दक्षिण भारत के लोग तीक्ष्ण बुद्धि है विदेशी है वो जल्दी पहचान लेते हैं। ये एडवांस नॉलेज है निकली, एडवांस नॉलेज को पहले दक्षिण भारत वालों ने पकड़ा या उत्तर भारत वालों ने पकड़ा? दक्षिण भारत के लोगों ने पहले पहचान लिया। कोई कहे बेसिक नॉलेज में क्यों नहीं ऐसा हुआ? अरे बेसिक नॉलेज की तो शुरुआत ही कराती थी हुई तो विदेशी है। बाबा मुरली में बोला कि बाबा जो आए हैं विदेशी बन गए हैं। विदेशी बनकर आए हैं बाप, माने विदेशी है तो नहीं। ड्रामाबाजी की जाती है ना नाटकबाजी, तो नाटक में कोई नाटक खेलता है तो कोई गधा बन जाता है तो कहते हैं ये गधा बन के आया। तो ऐसे ही बाप कहते हैं मैं क्या बन के आया हूँ, मैं विदेशी बन कर के आया हूँ। दुनिया में विदेशियों की संख्या ज्यादा है या भारतवासियों की संख्या ज्यादा है? पूरी दुनिया में टोटल देखा जाए तो ज्यादा संख्या किसकी है? विदेशी संख्या ज्यादा है। तो बाप सारी दुनिया का बाप है या सिर्फ भारतवासियों का बाप है? सारी दुनिया का बाप है। इसे सारी दुनिया का कल्याण करना है तो कैसा बन के आना पड़े? विदेशी बनकर आता है। अगर विदेशी बनकर ना आवे तो तुम बच्चों से मिल भी ना पावे। बच्चे जो है तो चाहते हैं कि सब संबंधों से हमें भगवान मिले। अगर भारतवासी बन के आए तो सब संबंधों से मिल ही नहीं सकता। भारतवासी तो राम को कहा जाता है क्या? राम को, और राम का तो मर्यादा है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी में ही मर्यादा बंधी हुई तो फिर मिल पाएगा सबसे? नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान जो है जब आते हैं तो विदेशी बनकर आते हैं, सारी दुनिया से मिलन हो सके, जो जिस तरह मिलना चाहता है वो सकते, सबकी आस पूरी करते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं तो इनकी समझ में वास्तव में आता ही नहीं, फिर ये समझती नहीं। रावण जानता था कि ये भगवान है, फिर जान करके भी अनजान बना हुआ था अपने अहंकार में आकर के कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक लड़ाई में हमसे जीत न जाए, क्योंकि रावण के पास बहुत मान मर्तबा था, बहुत प्रकांड विद्वान था और राम तो जंगलों में घूम रहे
जंगली आदमी रावण को मेहरबानी आता रही थे, राम तो झोपड़ी वाला बना के रहते थे। तो अभी क्या हालत है? अभी जो बेसिक में है वो मेहलमानियों अटारियों में रह रहे हैं या झोपड़ियों में रह रहे हैं? मेहलमानियों अटारियों में। उनके पास जो ताकत है वो बड़े बड़े मिनिस्टर उनके पांव में पहुंचते हैं, बड़े बड़े लखापति करोड़पति और मल्टी मिलियनायर और बड़े बड़े कारखानों वाले वो सब उनके चरणों में पैसे डाल रहे हैं। इतना बड़ा भारी मान मर्तबा मिला हुआ है तो उसका अहंकार नहीं चढ़ेगा? प्रभुता पाई का ही मदना ही, उनको प्रभुता मिल जाए तो उसको अहंकार जरूर आता है। रावण को भी अहंकार आता है। तो देखें हमसे कैसे ये वनवासी जीत पाएंगे। अब उनका अहंकार कब टूट जाएगा? जब हम बंदरों का टूटेगा। राम की सेना में काम क्रोध लोग वो अहंकार होता है कि नहीं है? तो टूट गया है? बाबा जैसे कि बी के में ज्ञान में चलते रहे और चलते रहते रहते जैसे मुरली में जो आया वो करते रहे बच्चे और मुरली के आधार पर चलते रहे। जैसे कि मुरली में आया ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं रखना है, चार बार ज्ञान स्नान करना है, तो वो बच्चे कैसे, क्या उनकी कुछ समझ में आता रहा बिना पता लगे? ज्ञान भगवान बाप से आता है या ज्ञान अम्मा से आता है? बाप से आता है। जो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया गया उस ज्ञान के आधार पर कोई की बुद्धि में बैठा कि बाप का पाठ किसका है? तो फिर याद किसको करेंगे? संघ का रंग किसका लगाएंगे? अब ब्रह्मा का तो फोटो ही नहीं रखना, वो तो पहले से ही नहीं रखना। जिसको फोटो ही नहीं रखना है तो उसको याद करना है? कभी नहीं याद किया जब से बाबा ने मूर्ति में सुनाया। तो ज्ञान अधूरा हुआ ना? ज्ञान हो और उसकी समझ न हो, ब्रह्मा के मुख से जो भी बातें निकली उन बातों को समझा या सिर्फ सुना? सिर्फ सुना, दूसरों को सुनाए रट्टू तोते की तरह। ये आया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन बुद्धि में ये बात आई कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है तो गीता का भगवान कौन है? गीता ज्ञान सुनाने वाला है कौन? फिर बुद्धि में आया नहीं? मुरली में तो आया परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फिर बुद्धि में ये बात आई कि एक व्यापी कहाँ है? चलो सर्वव्यापी नहीं है, सब में व्यापक नहीं है। सब में व्यापक होगा तो कैसे याद करेंगे? वो तो ठीक बात है, लेकिन फिर वो एक व्यापी कहाँ है जो हम एक को याद करें? एक क्यों बाबा दूसरा कोई, वो कहाँ? तो ज्ञान सुनना और सुनाना अलग बात और ज्ञान को समझना और समझाना अलग बात। तो ज्ञान ज्ञान कब कहा जाएगा? समझ को ज्ञान कहा जाता है या सुनने सुनाने को ज्ञान कहा जाता है? समझने को ज्ञान कहा जाता है। समझा तो है ही नहीं तो ज्ञान कैसे कहें? ब्रह्मा के तन से केवल अपनी वाणी चलाते रहे, ब्रह्मा के कान पहले सुनते रहे, ब्रह्मा कुमार कुमारों के कान भी सुनते रहे, लेकिन बुद्धि में कुछ नहीं है। मुरली में तो आया, संचक्कर में दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, लक्ष्मीनारायण का राज्य आ जाएगा,
चित्रों में भी छाप दिया। फिर बात बुद्धि में बैठी थी क्या? नहीं बैठी, तब तो ऐसी बात आ गई बुद्धि में। वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। जब हम 63 जन्मों में राजा बने हैं तो हमने कम पाप किए हैं क्या? हमको प्रभुता नहीं मिली थी ना? तो आपने जब राजा ही मिली होगी, राजा रानी बने होंगे, तो आपने भी भगाया होगा उनको। आपने धक्का देके भगाया हो तो हिसाब किताब पूरा नहीं करें, बल्कि आप तो फायदे में। आपने तो अपने राज्य के बाहर ही कर दिया, निकलो हमारे राज्य के बाहर। और वो तो आपको अपने ज्यादा से ज्यादा आश्रम की 4 दीवारी से बाहर कर देते हैं, तो ज्यादा फायदे में कौन है? आप ही फायदे में। बड़ा पाप आपने किया था कि वो कर रहे हैं? आपने अपने राज्य से ही बाहर कर दिया और उन्होंने आश्रम की 4 दीवारी से बाहर कर दिया। ज्यादा बड़ा पाप किसने किया? हमने किया ना। तो फिर खुश होना चाहिए कि हमने ज्यादा पाप किया तो भी भगवान ने आगे हमारे चिंता कर दी, चूली को बांटा बना दिए। बाबा नीचे वालों में से सबसे ज्यादा कौन सा बच्चा निकलेगा? कौन सा बच्चा निकलेगा? ये सब बीके वाले तो बैठे हुए हैं। यहाँ जो बैठे हैं कोई ऐसे हैं जो बीके वाले हैं? बच्चा कौन सा बच्चा प्रत्यक्ष होगा? तो भागीरथी पहले प्रत्यक्ष होगा, और कौन प्रत्यक्ष होगा? फिर 8 प्रत्यक्ष होंगे, फिर तो 8 प्रत्यक्ष होंगे। और बाबा जो जो आत्माएं एडवांस पार्टी में जो शरीर छोड़ देती है कारने पाने, तो बाबा वो फिर से एडवांस में आएंगे क्या? शरीर धारण करेंगे या सूक्ष्म शरीर से पार जाएंगे? जो एडवांस में आए उनकी बुद्धि में ये ज्ञान तो बैठा हुआ है कि शरीर रहते रहते हमको नई दुनिया में जाना है, संचय काया बनानी है। तो ये आप उनकी अगले जन्म में पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जो अगला जन्म लेंगे बनाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे। वो सब नहीं देखना। आज आज अखबार में आ रहा है 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चला रहा है। ये कोई ज्योतिषियों का ज्ञान थोड़ेगी। सारे जगत के ऊपर राज्य करती है, तो उससे ऊंचा कोई पद होता है क्या? सारी दुनिया के ऊपर राज्य करेगी तो अगला जन्म जो लोगी वो नीचा नहीं, नीचा जन्म लेगी या ऊंचा जन्म लेगी? नीचा ही होता जाएगा। कहाँ लेगी? भारत में ही लेगी, कहाँ लेगी? विदेश में, विदेश रह जाएगा क्या? नहीं बाबा। बच्चा बनता है तो बच्चा बनता है, वो सूर्यवंश में बनता है कि चंद्रवंश में बनता है? है जगदम्बा का पाठ चंद्रवंशी है कि सूर्यवंशी है? बाबा मालिमा बोला थे मैं तुम बच्चों को सब की बातें देखे जा रहा हूँ। चित्र बनाए हुए शुभ लाभ वाला, मैं एक में लक्ष्मी का चित्र दिखा हुआ है, एक में गणेश का और एक साइड में सरस्वती का चित्र दिखा हुआ है। तो वो बाबा उसको किस समय की याद रहता हूँ? ये गणेश अरे जितने भी जानवर वाले देवताएं दिखाए हैं वो कलयुग में बनाए जाते हैं या द्वापर में बनाए जाते हैं? है? बुद्धि ज्यादा तमो प्रधान कहाँ होती है? जानवरियत वाली बुद्धि कलयुग में होती है।
हिंदी में ये गणित वणित क्यों आते हैं लोग? हाँ उन्हें कितने में तुम्हारी बुद्धि क्यों जा रही है? खत्म हो गए ये दादी जी प्रकाश मुनि ये कब शरीर छोड़ेंगे? अभी पांच बार तो पांच हॉस्पिटल में से चक्कर लगा के आई हूँ मुझे, अब फिर तुमने ये संदर्भ चलाना शुरू कर दिया। अहमदाबाद में बनती रही कितने महीने, ग्लोबल हॉस्पिटल में बनती रही, बम्बई हॉस्पिटल में भर्ती रही, जगह जगह जिस जगह चक्कर काटती रही, कामा में पड़ी रही हर हॉस्पिटल में, अब फिर तो सतर्क चला रही। अरे कुछ काम करके जाएंगी कि ऐसे ही चली जाएंगी? उनके फॉलोअर्स ने उनको जिंदा रखने के लिए कितना लंबे टाइम का योग रखा, संगठित योग सारी दुनिया में, तो बड़ी मुश्किल से जिंदा कर पाया। आपका एक लिया ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याणकारी ना आने दे, तो माया का काम है, माया का काम है, भगवान नहीं आया हुआ, दूसरी बात माया क्या करती है, माया अनिश्चय पैदा करती है बाप के ऊपर, और तुम बाप के ऊपर निश्चय बैठाते हो। सेवा करने जाते हैं तो एक भाई हमसे पूछ रहा था कि जब आदि ने सेवा हमसे करने के ऊपर पिता परमात्मा आए तो उस समय उन्होंने इतना ज्ञान धारण क्यों नहीं किया, शरीर क्यों छोड़ दिया, और उनको ज्ञान भेजना क्यों नहीं आया, क्यों बता पाया उनको कितना ज्ञान, ज्ञान क्यों नहीं बता पाए? ज्ञान उसको था ही नहीं, जैसे बीजारोपण ज्ञान का बीजारोपण करते हैं, बहुत अच्छे वो करते हैं, प्रजापिता थोड़ा ही करता है, प्रजापिता करता है क्या ज्ञान का बीजारोपण करता है? शिव बाप करते हैं, ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है ना, कि कोई मनुष्य शिव बाबा है, तो शिव बाबा जो ज्ञान का सागर उस समय नहीं है, उस समय प्रत्यक्ष नहीं होता है, ज्ञान का सागर जब प्रत्यक्ष होता है तो उस ज्ञान सागर के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता ज्ञान का। आपसे बोला था लेकिन वो मानने को तैयार, जो अपने कुल का होगा थोड़े में मान जाएगा, और जो अपने कुल का नहीं होगा और जिंदगी भर सुनाते रहो नहीं माने, ज्यादा पीछा ही नहीं कभी तुमने ज्ञान किसकी बुद्धि में टिकेगा? ज्ञान पवित्र बुद्धि में टिकेगा या पवित्र बुद्धि में टिकेगा? जो पवित्र बुद्धि होगी उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकेगा। तीसरा नेत्र किसको दिखाया जाता है? शंकर ने कहा दुनिया समझती है पीता है, लेकिन भगवान क्या समझता है कि ये जितना निर्विष है, जितना चंदन का वृक्ष है, उतना दुनिया में कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। वो सन्यासी है, सन्यासी संग में आएंगे स्त्री के तो जरूर पतित बन जाएंगे, अब कहाँ ये गृहस्थी है, रोज संग में ही रहते हैं और संग में रह करके भी राजयोग सीख रहे हैं, बिल्कुल बात की नहीं, तो ज्यादा पवित्र कौन हुआ? जो घरगस्त में रह करके भगवान का ज्ञान ले रहे हैं वो ज्यादा पवित्र है, वो तो ढोंगी हो गए, दूर बात खुश बात, दूर रहकर जो पवित्रता का पालन कर लिया, 10 साल जेल में रहे कहते हमने तो 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो मजबूरी हुई है वो ब्रह्मचर्य पालन हुई है, कहाँ कायरों की पवित्रता, भाग गए जंगल में, अब कहाँ तुम्हारी पवित्रता, ज्यादा ऊंचा लक्ष्य किसका है? अगस्त में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, फिर भी अपनी बुद्धि को न्यारी रखते हैं, तो ऊंचे हुए ना, भगवान गृहस्थियों को मिलता है, या भगवान भीष्म पितामह जैसे द्रोणाचार्य जैसे सन्यासी को मिलता है?
बाबा शंकर जी की कुछ लटाए तो खुली हुई दिखाते हैं और उसकी दूरी बंदी हुई दिखाते हैं, इसमें क्या राज है बाबू? अभी ज्ञान पूरा खुला नहीं है, हम तब तक नई नई बातें सुनाते रहेंगे। सारी बातें अभी बता दूं तो आगे चल के क्या बताऊं? हर महीने आए करो तो हर महीने आते ही रहते हैं। महीने की बात हम कहेंगे, महीने की बात करेंगे तो महीने तो साल में 12 ही होते हैं, तो 12 ही जगह जा पाएंगे, तो फिर उन 12 जगहों में आपका नंबर लगेगा। शास्त्रों में कौन से कृष्ण की बात है? तुम्हारा लेना देना किससे? और क्या है? क्या पीना अभी बंद नहीं किया है? आपकी चाय रखी है। आप बोलते हैं कि इतने बच्चे नहीं करेंगे, इतने मेरे बच्चे नहीं बढ़ेंगे। अरे भाई गर्भ में बच्चा पकेगा ही नहीं, नहीं अगर गर्भ में पके नहीं है और कहें कि मैं बाप का बच्चा बन जाऊंगा पैदा होकर तो बन जाएगा है? वो भी 9 महीने पकता है, ये तो बेहद की बच्ची है, ये 9 महीने की नहीं है, 9 दिन की है। एक दिन जाना, एक दिन आना और 7 दिन वहाँ पकना। अगर बच्ची करके तो बदल जाए तो क्या होगा? क्या दुनिया में बच्चे मर नहीं जाते हैं? 9 महीने पेट में रहने के बाद नहीं मरते हैं क्या? वहाँ भी मर जाते हैं, यहाँ भी मर जाते हैं। है बाबा को देवी फोन किया कि हमारे उधर बच्चे नहीं करने, उनकी रोज ही बच्ची वैसे समझेंगे, हमारी रोज बच्ची बाबा पीछे से तो मेहमान का बच्ची करके और जो मर जाते हैं और बाकी जिंदगी में चले जाते हैं, वो आपको एडवांस में आएंगे बाद क्यों नहीं आएंगे? कहाँ जाएंगे? एक ही अस्थि है तो जाएंगे कहाँ? विजयमाला में सब लोग विजय माला में कहीं बच्ची करने के बाद आते हैं? विजय माला की मंत्री वो तो बच्ची कर दी तो कर दी, बच्ची कर दी माने उनकी बुद्धि को कुछ बैठ गया, विजय माला से वो बाप का परिचय बैठ गया, वो चंद्रवंशी बन ही नहीं सकते, सूर्यवंशी रहेंगे। विजय माला के मन की भक्ति नहीं करेगी? विजय माला जो है उसका हेड चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी कैसे बन जाएंगे? और तो ज्ञान सूर्य का ज्ञान दे दिया, अमरनाथ के बच्चे हैं के मरने वाले नाथ के बच्चे हैं, फिर वो अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं कि हम मर गए, उनका मरना हो ही नहीं सकता। हाँ लक्ष्मण चरे मूर्छा लग जाए वो हो सकता है, मूर्छा क्यों भी पड़े? कहते हैं कि शादी में जाओ तो पूछ के जाओ, शादी में जाओ तो पूछ के जाओ,
शादी में जाओ तो पूछ के जाओ कौन कहता है बाबा बोली मुरली मुरली में कहते हैं ठीक है बाबा का ठप्पा लगवा के जाओगे तो कोई अनिष्ट नहीं होगा बाबा कहते हैं कि आप जाओ लेकिन ये दूसरी सेवा करो जाके सेवा के लक्ष्य से जाओ नहीं तो शंकर लग जा लग सकता है कहाँ मुझे तो एक कमरा खाली है एक कमरे में ग्रंथी जमेगी तो बाबा ने वाला तो कहा लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाओ अपने घर को एक कमरा ले लेंगे और उसमें गीता पाठ वाला बोलेंगे खाली पड़ा है लेकिन उनको कहो कि तुम अपने पूरे घर परिवार को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाओ गीता पाठ वाला बना एक कमरे को क्यों बनाओ उनके युग ज्ञान में नहीं चल रहे घर नहीं रहे तो कैसे गीता पाठ गीता पाठशाला यौनों की होती है लक्ष्मी नारायण बनना है लक्ष्मी नारायण बनना है तो पढ़ाने वाले भी कैसे होने चाहिए बिना युगल के ज्ञान में भी जा सकते हैं और बिना युगल के शक्ति भवन भी खोल सकती है पांडव वहाँ नहीं आए माता माता ही करती हूँ भाई लोग पांडव भवन खोल के बैठ सकते हैं कन्या माता ही नहीं जाएगी सेवा करने के लिए मना थोड़ा ही है जब तीन सीट प्रत्यक्ष हुई थी तो क्या इकट्ठी तीनों इकट्ठी प्रत्यक्ष हो गई एक के बाद एक प्रत्यक्ष हुई ना तो ऐसे ही आठ जो प्रत्यक्ष होंगे वो एक एक करके प्रत्यक्ष होंगे यहाँ ये बोला है कि और जो ग्रुप्स हैं प्रत्यक्ष होने वाले उनके मुकाबले इन आठ की प्रत्यक्षता जल्दी जल्दी होगी ऐसे नहीं त्रिमूर्ति की तरह सालों लग जाएंगे और जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएंगे आठों आठ तो सारी दुनिया के पूर्वज हैं कितना टाइम होगा हुआ मतलब 2010 प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो कृष्ण जन्म रह जाएगा क्या तो पूरा परिवार ही तैयार हो गया फिर तो बाबा ये मंगलवारी प्रत्यक्ष में यदि जैसे ये आठ आठ जो धर्म है आठ नौ दस धर्म तो उनके हिसाब से जैसे पहले सूर्य मूर्ति चंद्र मूर्ति जिस क्रम से शक्ति रूपी रंगमंच पर आते हैं उसी क्रम से ज्ञान में आते हैं उसी क्रम से प्रत्यक्षता होती जो जिसको आता है तो करता है नई नई थरापी चली है एक बीज थरापी चली वो हाथ में बताते हैं स्विच बोर्ड है पूरे शरीर का जहाँ पर जो अंग का स्विच है वहाँ पर उसी अंग का बीज लगाने से
तुरंत फायदा होता है और लोगों को फायदा हुआ भी है, इसलिए हो गया। फिर बाबा हम करेंगे ट्रीटमेंट, करो भी अपना करिश्मा दिखाओ। बाबा कितनी समय और लग जाएगी ट्रीटमेंट में? बाबा बाहर निकलते है ना तो डर लगता है ना इन लोगों से, बाहर निकलते है ना रात को भी निकलते है। बाद में वहाँ गई थी दिल्ली और एक लकड़ी लेके हाथ में आग जला रहा था एक आदमी, मेरे पीछे आ गया आग लगाते लगाते पीछे से मेरे पीछे आ गया एक आदमी सामने था, तो उसको देखे पीछे भी चला गया। मेरे हाथ में डंडी लग रही थी, फिर मैं दिल्ली चली गई रात को, गाड़ी तो मिली नहीं, पैदल पैदल को चक्कर करके पैदल पैदल चली गई। ऐसा क्यों है जी ग्रंथे कब कम करवाएंगे? नई दुनिया बनेगी, ग्रंथे भी कम कम होने लगे। जितनी जितनी नई दुनिया की स्थापना होती जाएगी, दरिंदों की दुनिया कम होती जाएगी।